अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। कल बड़ा फाइनल होने जा रहा है आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का, जो डिसाइड करेगा कि कौन है नया आलमी ओडीआई फॉर्मेट का नया आलमी चैंपियन। क्या वो इंडिया होगा या फिर ऑस्ट्रेलिया होगा। जो फाइट है वो टफ है एंड वैसे तो खैर इंडिया फेवरेट्स है फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द गेम, मतलब अभी से ही इंडिया फेवरेट है टू विन दिस वर्ल्ड कप बिकॉज दे आर अनबीटन इन दिस टूर्नामेंट एंड थ्रू आउट द टूर्नामेंट दे प्लेड एक्सेप्शनल क्रिकेट एंड दे ट्रूली डिजर्व। बट ऑन द अदर हैंड ऑस्ट्रेलिया ने भी अच्छा खेल पेश किया है, जिस तरह से 2-0 थे वो, मतलब दो मैचेस उन्होंने खेले थे और दोनों मैचेस उन्होंने हारे थे और स्टार्ट में वर्ल्ड कप में, और फर्स्ट मैच ही अगेंस्ट इंडिया दे लॉस्ट। और है कि इसके बाद जो उन्होंने राइस पकड़ा है तो बहुत ही कमाल पकड़ा है और बहुत ही अच्छी इनिंग्स भी उनकी तरफ से देखने में आई है, बहुत अच्छी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी देखने में आई है। बट यही चीज़ आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जाती है क्योंकि ओडीआई फॉर्मेट हो गया। कोई भी खैर क्रिकेट इज़ अ टीम गेम और टीम एफर्ट जब तक नहीं लगेगी, टीम एफर्ट के थ्रू आप जब तक नहीं जीतोगे तब तक आप एक कंप्लीट टीम नहीं बन सकते। सो इंडिया के का यही प्लस पॉइंट है कि वो कलेक्टिव टीम एफर्ट की वजह से जीतते हैं। हाँ, उस दिन जो सेमीफाइनल था उसमें बॉलिंग की इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस आई थी, बट लेटर ऑन बाकी बॉलर्स ने भी खैर स्टेप अप किया, बट जो स्टार्ट में इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बॉलिंग में एब्सोल्युटली आई थी, इसमें कोई शक नहीं। बट बैटिंग में कलेक्टिव एफर्ट्स थी तो है कि बैलेंस हो जाता है। बट ऑन दी अदर हैंड जैसे कि मैंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो एक उनका एक माइनस पॉइंट है कि उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की वजह से उन्होंने काफ़ी मैचेस विन किए हैं। मैक्सवेल का देख लें, वो मैच वो ऑलमोस्ट हारे हुए थे, बट है कि मैक्सवेल ने एक है कि इनिंग्स ऑफ सेंचुरी, मैं कहूँगी कि इनिंग्स ऑफ उससे भी बड़ी जो क्रिकेट की तारीख में जो बेस्ट इनिंग खेली गई है अब तक उनमें से एक थी एंड आई थिंक वन ऑफ द टॉप इनिंग मैक्सवेल ने खेली थी। 200 रन स्कोर किए इतनी 97 पे, आई थिंक 7 विकेटें कुछ गिर चुकी थी। और खैर पैट कमिंस को भी इसका क्रेडिट देना पड़ेगा, बट स्टिल ये है कि एक एक मौजजाती इनिंग थी, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, और एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया ने विन किया। फिर इसके बाद और भी खैर उनके मैचेस से हमारे अगेंस्ट भी अच्छे खासे रन उन्होंने खा लिए थे, और भी है कि उनकी बॉलिंग इतनी ज़्यादा है कि मुझे नहीं लगी स्ट्रॉन्ग जितनी इंडिया की है। खैर इंडिया से अच्छी तो और किसी की बॉलिंग मुझे नहीं लगी। इंडिया की बॉलिंग अच्छी थी और हाँ साउथ अफ्रीका की बॉलिंग अच्छी थी, बट साउथ अफ्रीका की बॉलिंग को भी यूँ मैं थोड़ा सा इतना ज़्यादा हाईली रेट नहीं करूँगी क्योंकि है कि साउथ अफ्रीका ने ज़्यादातर मैचेस बैटिंग फर्स्ट की है और बैटिंग फर्स्ट के बाद उन्होंने इतना ह्यूज टारगेट पोस्ट कर दिया कि फिर बॉलर्स के पास बहुत ही ज़्यादा है कि सुकून में वो होते हैं कि वो फिर अपने सब एक्सपेरिमेंट भी कर सकें, अपने जो भी प्लान है वो एग्जीक्यूट कर सकें, और वो भी जाते हैं ईजिली क्योंकि एक बड़ा टारगेट बोर्ड पर पुट हुआ होता है तो उसका भी प्रेशर होता है बैट्समैन पे। बट स्टिल है कि साउथ अफ्रीका की बॉलिंग भी अच्छी थी, साउथ अफ्रीका के स्पिन अटैक ने भी मुझे बहुत ही ज़्यादा मुतासर किया है। और इसके अलावा खैर इंडिया की जो बॉलिंग है वो पूरे वर्ल्ड कप में सबसे बेस्ट रही है और ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ज़्यादा वीक बॉलिंग अटैक मैंने देखी। इनफैक्ट पूरी टीम ही उनकी बहुत ज़्यादा वीक है, जितनी ऑस्ट्रेलियंस जो ऑस्ट्रेलियन की टीम हमने स्टार्ट से देखी आई हैं और जिस तरह के वो स्ट्रॉन्ग होते हैं और जिस तरह की स्ट्रॉन्ग उनकी टीम होती है, कोई लूप होल नहीं होता, तो वो टीम नहीं है ऑस्ट्रेलिया की। है ओबियसली थोड़ी सी निस्बतन है कि लो टीम है या थोड़ी वीक टीम है ये ऑस्ट्रेलिया की, जैसी ऑस्ट्रेलिया की टीम हमेशा से होती आई थी, बट स्टिल है कि उन्होंने इस वीक टीम ने भी फाइनल तक क्वालिफाई कर लिया है। और ऑस्ट्रेलियंस हैं, यू नेवर नो, ये नॉकआउट सिचुएशन में, ये प्रेशर सिचुएशन में जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये बहुत ही अच्छा खेल पेश करते हैं एंड यू नेवर एवर राइट ऑफ देम। दो जो लॉसेस इनको मिले थे वर्ल्ड कप में उसके बाद है कि बहुत से बातें हुई थी, बहुत से ज़्यादा उनको ट्रोल भी किया गया था, बट इसके बाद जिस तरह से उन्होंने राइस पकड़ा है तो बहुत ही अच्छा पकड़ा है जैसे मैंने पहले भी कहा। और आप ऑस्ट्रेलिया को राइट ऑफ नहीं कर सकते, ऑस्ट्रेलिया अपना स्टिल है कि मेरे ख्याल से कल वो भी अपना बेस्ट खेल पेश करेंगे एंड वन साइडेड अफेयर होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। अगर तो है कि टॉस ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है तो फिर इंडिया के लिए मुश्किल होंगी क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास बैटिंग अच्छी है और स्टीव स्मिथ जो कि खैर पूरे वर्ल्ड कप में इतना कुछ ज़्यादा इंप्रेस नहीं कर सके, बट इंडिया के अगेंस्ट उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। सो यू नेवर नो, हो सकता है कल स्टीव स्मिथ भी है कि चल जाए। ट्रेविस हेड भी फॉर्म में आ चुके हैं इंडिया के अगेंस्ट, उनका भी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, गो के उतने ज़्यादा मैचेस नहीं खेले, बट स्टिल है कि WTC फाइनल में भी ही वॉज अ मैन ऑफ द मैच अलॉन्ग विद है कि मैन ऑफ द मैच तो खैर ऑब्वियसली ट्रेविस हेड थे, बट जो पार्टनरशिप उन्होंने लगाई थी स्टीव स्मिथ के साथ वो भी खैर क्रूशल मौके पर लगाई थी। सो आई थिंक के ऑस्ट्रेलिया को भी आप राइट ऑफ नहीं कर सकते, बट स्टिल है कि इंडिया को एज हासिल है, इंडिया का होम ग्राउंड है, होम क्राउड है एंड इंडिया इज इन देयर बेस्ट फॉर्म ऑफ ऑल टाइम, मैं कहूँगी
सो आई थिंक इंडिया इज क्लियरली विनिंग दिस वर्ल्ड कप, बट स्टिल है कि ऑस्ट्रेलिया कभी भी आपको सरप्राइज कर सकते हैं. तो होपफुली अच्छा मैच होगा, वन साइडेड अफेयर नहीं होगा. और टॉस ऑब्वियसली वाइटल रोल प्ले करेगा, क्योंकि अंडर लाइट्स थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी बैटिंग. और है कि जो बैटिंग फर्स्ट है वो, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रेशर सिचुएशन में आप बैटिंग फर्स्ट करो, इससे बेहतर आपके लिए और कोई बात नहीं होती है, क्योंकि बैटिंग फर्स्ट में इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता. और पिचेज भी वी ऑल नो कि इतनी ज़्यादा वो नहीं होती. कल खैर ये आई डोंट नो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है तो शायद थोड़ा सा टर्निंग ट्रैक हो सकते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो इंडिया की स्ट्रेंथ है वो यही है कि उनके स्पिनर उनकी स्ट्रेंथ रहते हैं. ग्रुप स्टेज में भी जो उन्होंने मैच जीता था वो भी उनके स्पिनर्स की वजह से जीता था. और जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी थी उसमें भी उन्होंने स्पिन ट्रैक्स बनाए थे और स्पिन के जाल बिछा के उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लिया था. तो यू नेवर नो, हो सकता है ऑस्ट्रेलिया के लिए वो टर्निंग ट्रैक्स भी बना दें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की वीकनेस है स्पिन. और स्पिन जो उनके पास स्पिन अटैक है भी इतना अच्छा नहीं. एडम दप्पा वो एवरेज हैं, ऑल्सो इस वर्ल्ड कप में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेज दी हैं, टर्निंग पॉइंट्स भी उन्होंने अपनी टीम को मतलब हारे हुए मैचेस भी जितवा के दिए हैं. पर स्टिल है कि इज नॉट इतने ज़्यादा स्किलफुल नहीं है जितने ज़्यादा इंडिया के स्पिनर्स हैं. तो हो सकता है खैर कि टर्निंग ट्रैक्स भी आपको मिल सकते हैं कल के मैच में, और इतना ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच नहीं हो. बट स्टिल है कि आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के साथ अब जितना भी वो कर लो, ऑस्ट्रेलिया आपको ईजिली मैच नहीं विन करने देगा. बट फिर भी आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले में इंडिया इज फेवरेट्स. और है कि ऑस्ट्रेलिया के पास भी वही है कि बोथ टीम नथिंग हैज़ टू लूज. है कि ऑस्ट्रेलिया के हवाले से ये भी बातें हो रही हैं कि भाई 5 times दे आर वर्ल्ड चैम्पियंस, और इंडिया 2 times है, और इंडिया काफ़ी टाइम से कोई ICC ट्रॉफी नहीं उसने विन की है. खैर ऑस्ट्रेलिया भी आई थिंक लास्ट 2015 में की है, तो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम. बट नो नो, आई थिंक वर्ल्ड चैम्पियंस वो बने थे 21 में. या तो है कि स्टिल है कि ऑस्ट्रेलिया वी ऑल नो के ICC टूर्नामेंट्स की अच्छी टीम है, और ओवरऑल भी खैर वो अच्छी टीम है. 5 वर्ल्ड कप जीते हुए उन्होंने, ICC के बहुत सारे इवेंट्स उनके पास हैं, ट्रॉफीज उनके पास हैं. तो इंडिया के लिए ऑब्वियसली उनका होम ग्राउंड है, होम क्राउड है, और बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है पूरा क्राउड. तो इंडिया भी खेल डिजर्व, और इंडिया ने अच्छी क्रिकेट भी खेली है. अगर दोनों टीम का मुवाजन किया जाए थ्रू आउट दिस वर्ल्ड कप, तो ऑस्ट्रेलिया से ज़्यादा बेहतर क्रिकेट इंडिया ने खेली है. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस कल. मैं तो खैर इंडिया के साथ ही जाऊँगी, क्योंकि इंडिया इज़ हॉट फेवरेट, और ऑस्ट्रेलिया खैर अच्छी फाइट दे सकता है मुझे लगता है. और अगर तो कहीं इंडिया ने कुछ भी कुछ गलत किया तो फिर ऑस्ट्रेलिया उस पर हावी हो सकता है. दैट्स व्हाट आई बिलीव. व्हाट यू थिंक अबाउट इट, डू कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट. अल्लाह हाफिज़.